नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में हुए जिला स्तरीय अंत्योदय मेले में बालिकाओं के पांव पखारे, साथ ही किसानों को क्रेडिट कार्ड किए वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज तहसील के पाचौर में विद्युत सब स्टेशन और सीसी रोड का किया लोकार्पण। और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया में विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास कर कार्यक्रम को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत शनिवार को दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मध्य प्रदेश चैप्टर के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समग्र नीति बनाई जाएगी। समग्र नीति बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगरमालवा में तेंदुपत्ता संग्राहक श्रमिक महिला सम्मेलन और स्वच्छता सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है जिसे कोई बदल नहीं सकता। किसानों को सभी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की ग्रामीण स्तर पर समीक्षा की जाएगी। जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा चयनित गांव के ही 5 व्यक्तियों की टीम ये समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सीहोर जिले में विकास यात्रा के दौरान मध्यरात्रि तक नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम पाचौर, लाचौर और भादाकुई में ग्रामीणों के बीच रहे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के लागू होने से प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां आई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में रतलाम में तेंदुपत्ता संग्राहक और श्रमिक सम्मेलन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों, गरीबों और किसानों की भलाई के लिए संकल्पित होकर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सीएम चौहान ने किसानों का आह्वान किया कि अराजकता फैलाने वालों और भड़काने वालों से सावधान रहें। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया में मंडी परिसर में 2 करोड़ लागत के विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब दतिया शहर में पर्याप्त वोल्टेज के साथ विद्युत प्रदाय किया जाएगा। नागरिकों को बिजली ओवरलोडिंग की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब लगातार बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।